बच्चों, क्लास 11th का मॉर्निंग शिफ्ट का इंग्लिश का पेपर हो चुका है। और ये इंग्लिश का पेपर है, इसमें देखो क्या क्या आया है। पहले क्वेश्चन में तो पैसेज दे रखा है, पैसेज को आपको पढ़ना है और ध्यान से उसका आंसर देना है। इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी पैसेज ही होता है, वो आपको करना था। और ये एनालिटिक पैराग्राफ था, इसके अंदर आपको पैराग्राफ को एनालाइज करके फिर आंसर देना था। फिर इसके बाद हम लोग इसी के थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट का मतलब इसी का थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में जो आपको दिया होता है वो दिया होता है नोट मेकिंग। तो इसमें जो दे रखा है वो हम फटाफट क्वेश्चन आंसर आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं क्या दे रखा है जल्दी से। ये है तीसरा पैसेज। इस तीसरे पैसेज में आपको नोट मेकिंग करनी थी। और नोट मेकिंग के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ लिखे हुए देखो क्वेश्चन में लिखा नोट मेकिंग करो। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आ जाता है और ये ग्रामर का सेक्शन है। इसमें आपको सबको वर्ब लिखनी थी, ठीक है। वर्ब के बाद अगला जो क्वेश्चन था वो अरेंज वाला आया था। फिर इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग स्किल में आगे। और इसमें जो बच्चों को आया है वो देखते हैं क्या क्या आया है। ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर एक तो एडवर्टाइजमेंट लिखनी थी, दूसरे में भी एडवर्टाइजमेंट आता है। फिर इसके अलावा स्पीच आई है आपकी, डिबेट आया है आपका, ये सब पार्ट बी में आया है। और जब हमारा पार्ट सी शुरू हो जाता है, यानी कि सेक्शन सी, यहाँ से बुक शुरू हो जाती है। बुक में एक पैसेज टाइप का दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में। और यहाँ आके देखो फटाफट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ बुक का पैसेज दे रखा है, इसमें से आंसर आपको ढूंढ ढूंढ के करने हैं। फिर यहाँ थोड़े आगे चलने के बाद जो हमें क्वेश्चन आंसर मिलेंगे वो बुक के क्वेश्चन आंसर है। यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ बुक के क्वेश्चन आंसर आते जाएंगे। तो पेपर इस तरह से आए, पेपर वैसे ज्यादा हार्ड तो नहीं है लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पेपर ऐसा ही आएगा। और इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर ऐसे ही आएगा। आंसर एनी टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के आंसर देने। और ये बुक के क्वेश्चन आंसर है, ये भी बुक के क्वेश्चन आंसर है। आंसर एनी वन, ये भी बुक के क्वेश्चन आंसर है। ये सब आपको बुक में से देने थे आंसर। तो ये जो पेपर आया ये आपका बहुत ही आसान आया है।